नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम और आपके अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी के डेली एनालिसिस वीडियो में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज मार्केट में जो भी मोमेंटम रहा, आज देखें कि ड्यू टू न्यूज मार्केट स्लाइटली नीचे आया, लेकिन डेटा वहां पे बुलिश था। डेटा हमेशा बड़े प्लेयर वहां पे राइड करके गए थे कॉल को, सॉरी पुट को, और वो कॉल बाई करके गए थे, इसलिए क्या डेटा वहां पे बुलिश था, मार्केट को उन्होंने नीचे नहीं आने दिया। तो क्या डेटा पर और प्राइज एक्शन दोनों के साथ अगर हम मैच करके चलेंगे तो एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल होगा। तो एक बार हम प्राइज एक्शन देखते हैं, फिर डेटा की बात करते हैं, और फिर ओवरऑल एनालिसिस देखेंगे कि मार्केट में कल एक्सपायरी कहाँ होना है। तो चलिए अभी एक बार देखते हैं कि निफ्टी का लेवल हमारा क्या रहेगा। तो अगर 17 की देखें एक्सपायरी के दिन, तो निफ्टी देखें दोस्तों, इस रेंज को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। यानी आपको ये रेंज है, जो इस रेंज को जो हायर आपको हाई है उसको ब्रेक नहीं कर रहा है। इस हाई को ये ब्रेक नहीं किया 15 मिनट के चार्ट पे, इस हाई को ये नहीं ब्रेक किया। तो ओवरऑल आपको जब लॉन्ग होना है इसके ऊपर ही होना है। यानी आपको लॉन्ग 450 के ऊपर, जो आपको ये भी 400 चल रहा है, 450 के ऊपर जैसे निकलेगा तो हमें लॉन्ग होना है। टारगेट हमारा 520 का और 580 का और 640 का हो जाएगा। लेकिन शॉर्ट आप देखें, अभी जो क्लोजिंग दिया है वो बी वेब के ऊपर है कैंडल का, यानी थोड़ा सा ही छोटा कैंडल बना है। तो एक बिल्कुल ही अभी एक सपोर्ट का काम हमारा वीवेप कर रहा है और बीडब्ल्यू में, ये दोनों आपको सपोर्ट का काम कर रहा है। शॉर्ट होना 18,380 के नीचे, टारगेट हमारा 18,320 का, 260 का और 18,180 का आएगा। ये दोस्तों बहुत ही साइकोलॉजिकल लेवल है। तो ओवरऑल आप अगर निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको ओपनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वहां पर डेटा को भी एक बार मैच करना होगा। देखिए ये लेवल के ऊपर जब ओपन होगा तो आपको ऊपर बिल्कुल आ जाएगा इस लेवल तक, फिर ऊपर आपको 400, जैसे ही 450 के ऊपर ओपन हो जाएगा हमारा टारगेट 520 का आएगा, 520 और 580 का ओवरऑल टारगेट। और नीचे शॉर्ट जो होना है वो आपको हमें 380 के नीचे होना है, और टारगेट हमारा नीचे का रहेगा। तो ये हमारा निफ्टी का रहा। अब हम बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी भी बिल्कुल आज जो है बड़े प्लेयर क्या किए थे, एक अच्छा खासा पुट में राइटिंग किए थे, सेंटिमेंट बेरिश था न्यूज बेसिस पे, फिर भी मार्केट को होल्ड करके रखे। मैं आपको डेटा दिखाऊंगा। तो जो 17 का एक्सपायरी होना है 42,460 तक लॉन्ग रहना है, ये कैंडल वी वेब के ऊपर ही क्लोजिंग दिया है, 460 के ऊपर रहना है, टारगेट हमारा 650 का और 42,900 का टारगेट रहेगा। इन ओवरऑल यहाँ पे अभी जो प्राइस एक्शन के बेसिस पे बुलिश है मार्केट। शॉर्ट होना है 42,400 के नीचे, 535 चल रहा है दोस्तों, टारगेट हमारा आपको 42,200 का और 42,000 का टारगेट हो जाएगा अगर तो 400 को ब्रेक कर दिया तो, और 41,980 का भी होगा। तो ओवरऑल पूरे आपको मार्केट सेंटीमेंट पे चलता है और डेटा पे। सेंटीमेंट अगर बेरिश होगा, डेटा अगर बुलिश है, तो वहां पे सबसे पहले बड़े प्लेयर क्या करेंगे, अपने पोजीशन को क्लोज करेंगे, फिर वो बेरिश पोजीशन बनाएंगे। आप ये चीजें देख सकते हैं कैसे मैं आपको अपने डेटा पे लेके चलता हूं। आप यहां पे देखें कि आज के लिए जो हमारे क्लाइंट और सॉरी प्रो थे, उन्होंने क्या किया था, कॉल की बाइंग करके गए थे, वो कॉल बाई कर गए थे। प्रो के पास देखिए 17,000 क्वांटिटी ये बाई था, ये कॉल में उनकी बाइंग थी, नेट बेसिस पे बाई नहीं करते हैं। आप देखें इनकी राइटिंग थी, लेकिन जब भी वो बाई करते हैं तो उनके डायरेक्शन में मार्केट जाता है। यहाँ पर देखें ये 17,000 उनकी बाइंग थी आज के लिए, इसलिए मार्केट को पूरे होल्ड की, और यहाँ पे 1,10,000 इनकी राइटिंग थी यानी पुट की, तो वो मार्केट को बिल्कुल वहां पे होल्ड किए, नीचे नहीं आने दिए। अभी आज क्या हुआ है, आज हमारे जो क्लाइंट के पास 2,58,000 का जो कॉल की राइटिंग थी, उसमें से उन्होंने मात्र 14,000 क्वांटिटी क्लोज किया है, यानी 14,700 क्वांटिटी। तो 2,43,000 देखिए, 2,43,000 अभी भी इनके पास कॉल की राइटिंग है, जबकि इनके पास पुट की बाइंग है। आप देखें यहाँ पे पुट की बाइंग है दोस्तों, ये पूरे जो मार्केट में इन्होंने क्या किया है कि कॉल जो है पूरा राइटिंग करके और पुट की बाइंग, यानी ये पूरा बेयरिश हो गया है मार्केट में। आप ये देख सकते हैं ये पोजीशन 2,43,000 इन्होंने अभी क्लोज ही नहीं किया है, और ये इनके पास 12,000 की क्या है बाइंग है पुट में, यानी ये पूरा यहाँ पे बेरिश हो गए। फ्यूचर में इन्होंने क्या किया है कि 20,000 जो लॉन्ग था वो क्लोज कर दिया, यहाँ थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट कर दिया है बिल्कुल, देखें यहाँ पे। तो नेट बेसिस पे 26,000 क्वांटिटी रेट ऑफ चेंज हो गया, 71,000 से 44,000 सीधा इनका, लगभग 45% पोजिशन उन्होंने क्लोज कर दिया। तो ये फ्यूचर में भी आज कल के लिए बेरिश हो गए पोजीशन क्लोज करके, और ऑप्शंस में भी ये पूरा बेरिश है, ठीक है। अब हम एफआईआई की बात करते हैं। एफआईआई ने क्या किया है, आप देखें कि आज और लॉन्ग कर दिया है 12,000 क्वांटिटी और शॉर्ट क्लोज कर दिया फ्यूचर में, यानी यहाँ पे ये बुलिश हो गया, 18,000 क्वांटिटी इनका लॉन्ग हो गया, 54,000 क्वांटिटी हो गया,
अब यहाँ पे ऑप्शन में इन्होंने क्या किया है, कॉल की आज फिर उन्होंने 42,000 क्वांटिटी बाई कर दिया, आप यहाँ पे देखिए, और पुट में भी थोड़ा सा बाइंग किया है, तो ओवरऑल इनकी 42,000 ये और ये 12,000 ये, पूरे मार्केट को कल पैसा इनका ऊपर रह जाने में लग गया। अब यहाँ पे हम प्रो की बात करते हैं, प्रो ने क्या किया है, यहाँ पे शॉर्ट क्लोज कर दिया है और लॉन्ग भी क्लोज किया है, लेकिन शॉर्ट ज्यादा क्लोज किया है इन्होंने, देखिए 11,000 क्वांटिटी शॉर्ट ज्यादा क्लोज कर दिए, तो 36,000 से इनकी पोजिशन 28,000 हो गई इस फ्यूचर की, तो यहाँ पे ये बुलिश हो गए। अब यहाँ पे इनके पास जो कॉल की बाइंग थी 17,000 उसको क्लोज करके थोड़ा सा 38,000 ये कॉल की राइटिंग हो गए, यानी स्लाइटली ये पोजीशन अपना हेज कर दी। और एज यूजुअल इन्होंने इनके पास जो 2,50,000 पुट की जो राइटिंग थी 17,000 उन्होंने और राइटिंग कर दिया 2,68,000, तो इनका क्या पोजीशन और बुलिश हो गया, इन्होंने कॉल की जो बाइंग थी उसको तो क्लोज किया लेकिन ये पोजीशन हेज करके पोजीशन अपना और जो है वो मार्केट में ऊपर लेके चले गए। तो ओवरऑल यहाँ पे प्रो और हमारे एफआईआई दोनों बुलिश हैं, डी क्लाइंट हमारे आपको बेरिश हैं, और यहाँ पे ये 70,000 क्वांटिटी आप देखें यहाँ पे अभी भी क्या है, हमारे क्लाइंट डीआई के पास शॉर्ट है फ्यूचर में, तो ये फ्यूचर का है, ये आपको थोड़ा सा स्लाइटली लॉन्ग होता है, लेकिन इस एक्सपायरी में कल मार्केट ऊपर रहना है एज पर अभी का डेटा। अब इसको हम ऑप्शन चेंज के डेटा से मैच करते हैं, तो यहाँ पे अगर निफ्टी का ऑप्शन चेंज देखें यहाँ, तो आपको 18,400 के पास पोजीशन अब 17,000 क्वांटिटी बना है, लेकिन यहाँ पे ये भी पोजीशन बनाया गया, ये आपको तो मैक्सिमम 18,500, अभी आपको 409 है, 500-520 तक एक बार मार्केट जा सकता है, क्योंकि मैक्सिमम पेन देखें तो 500 की तरफ शिफ्ट हो रहा है मार्केट में, 500 की तरफ मार्केट में पेन जो है वो शिफ्ट हो रहा है। ओवरऑल आपको अभी 400 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का भी काम कर रहा है और रेजिस्टेंस का भी काम कर रहा है, इसलिए पूरे दिन देखिए मार्केट वहीं पे घूमता रहा, और 400 पे ऑप्शन चेन में आज जो कॉल साइड थोड़ा सा पोजीशन बनाया गया है, ये पोजीशन देखिए, ये पोजीशन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो पोजीशन बनाया गया है वो हमें ये दिख रहा है कि दोस्तों ये इसके जो नेट बेसिस पे ये क्वांटिटी जो नंबर ये 20R है, ये बड़े प्लेयर द्वारा पोजीशन बन रहा है ये कॉल की बाइंग का, क्योंकि यहाँ पे हमारे एफआईआई ने बाइंग किया है, तो ये पोजीशन आपको एक नंबर है यहाँ पे हम अभी निकालने की कोशिश किए हैं COIYNT नंबर ऑफ ट्रेड से, जिससे कि यहाँ पे ये पता चल रहा है कि बड़े प्लेयर यहाँ पे कॉल की बाइंग किए हैं, कॉल की बाइंग किए, और हमें ये IV भी इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट ऊपर रहना है, यानी यहाँ माइनस में है मीन्स आपको ऊपर रहना है मार्केट अगले दिन के लिए। और ओवरऑल यहाँ पे आप देखें जो ये पोजिशन छोटा है ये, तो ये हमें डेटा बेसिस पे इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट बिल्कुल डेटा में स्लाइटली बुलिश है। ओवरऑल आप देखें कि लगभग 86,000 कॉल साइड पोजीशन बनाया गया, पुट साइड पोजीशन यहाँ पे क्लोज हुए, ये सब प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, तो डेटा हमें यहाँ से स्लाइटली बुलिश इंडिकेट कर रहा है। अब हम इस अगले मंथली एक्सपायरी का देख लेते हैं, मंथली एक्सपायरी में भी आप देखेंगे तो जो 18,400 के पास पोजिशन पुट साइड और कॉल साइड दोनों साइड बन रहा है, यहाँ पे 19,000 यहाँ पे 12,000 ये देखें, लेकिन कॉल साइड ये पोजिशन पूरा क्लोज है मंथली में, जबकि पुट साइड कोई भी ऐसा पोजीशन क्लोज होता हुआ नहीं आ रहा है, आप देखें COI में कोई भी पोजीशन क्लोज नहीं है, यानी मंथली बेसिस पर भी डेटा हमें बुलिश इंडिकेट कर रहा है। चलिए अब हम इसको बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। और दोस्तों देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक ही कंपोनेंट है, और दोनों के जो कंपोनेंट है एक दूसरे में ट्रेड होते हैं, इसलिए हमें ये दोनों का जो है वो देखना जरूरी है, ऑप्शन चेन और प्राइस एक्शन दोनों। एक बार हम इसको गेट कुकी कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि मैंने इसको बहुत दिन से कुकी का अपलोड नहीं किया, तो अभी देखिए ये इशू नहीं आएगा। बैंक निफ्टी में आप देखें कि इस एक्सपायरी नहीं है, मंथली एक्सपायरी का डेटा है 24th का, यहाँ पे 42,500 के पास 23,000 कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया, ये 35,000 में 23,000 आज बनाया गया और 42,000 पे भी बनाया, जबकि यहाँ कॉल साइड में कोई एक ऐसा बड़ा नंबर नहीं दिख रहा है, इन द मनी ये सारा पोजिशन क्लोज है, यानी डेटा यहाँ मंथली में भी हमें बुलिश इंडिकेशन कर रहा है, और यहाँ बड़ा नंबर ऊपर बनता हुआ दिखाई दे रहा है 44,000 जैसे, तो ये डेटा हमें बुलिश इंडिकेट कर रहा है। अब हम आपको इस एक्सपायरी का डेटा देखते हैं, इस एक्सपायरी में आप देखें कि 42,500 पे आज बहुत ज्यादा लगभग 1,00,000 पोजीशन यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये पूरे 1,43,000 में 1,00,000 पोजीशन बना है आज फ्रेश, तो ये मार्केट में क्या है फ्रेश पैसा है वो मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। यहाँ पे भी ये 56,000, लेकिन आप नंबर देखें ये 17 नंबर और यहाँ पे ये 38 नंबर, यानी बड़ा प्लेयर है वो आपको पुट साइड एक्टिव है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 38 है, यहाँ पे 23 है, ये नंबर आपको अभी आपको बड़ा नंबर इधर दिख रहा है,
यानी बड़े प्लेयर यहाँ पे पुट की राइटिंग कर रहे हैं बैंक निफ्टी में, और डेटा हमें यहाँ से बुलिश इंडिकेशन कर रहा है ओवरऑल। आज देखें कि 1,73,000 कॉल साइड जबकि 3,27,000 पुट साइड पोजिशन बना है, तो ओवरऑल ये भी हमें इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट ऊपर ही रहना है। अब हम दोस्तों प्राइस एक्शन डेटा और सब कुछ मैच कर लिए, लेकिन यहाँ पे एफआईआई की बात करें तो एफआईआई थोड़ा सा आज जो है वो कैश में सेल किए लगभग 300 करोड़ का, जबकि डीआई एक अच्छा खासा लगभग 1,400 करोड़ का बाइंग किए हैं। तो यहाँ पे कैश का डेटा हमें बुलिश इंडिकेट कर रहा है डीआई का ओवरऑल मनी फ्लो के हिसाब से। अब हम चलते हैं कुछ स्टॉक्स के पास कि कौन कौन से स्टॉक्स में हमें ट्रेड करना है। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पे मनी फ्लो के स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ, ये ऑटो ऑपरेटेड स्टॉक्स हैं, सब कुछ आ जाएंगे आपको। तो एक शिवम ऑटो है, लिंकन है, एक आवास है और सोमान्या सिरा, ये बहुत ही अच्छा स्टॉक्स है दोस्तों। आप इस स्टॉक्स को सोमान्या सिरा को ज्यादा देख सकते हैं, मैंने इसको 183 के रुपीज पे बाइंग किया है। तो ओवरऑल ये हमें अगर एफनो की स्टॉक्स में बात करूं तो एफनो भी स्टॉक्स में कुछ स्टॉक्स हमारे पास एचएल एक स्टॉक्स निकल के आ रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल इस स्टॉक्स को देखा जा सकता है। तो अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए दोस्तों, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिए ताकि लेटेस्ट और ज्ञानवर्धक जानकारी आप तक पहुंच सके। दोस्तों आप ये सारी चीजें अगर लाइव मार्केट में चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जाकर फॉलो कर सकते हैं, और ये सब सारी चीजें जो मैंने आपको दिखाया ऑटोमेशन सीट सब कुछ हम अपने क्लासेस में बताते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट आपको 3 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज करके ये सारी जो है इंफॉर्मेशन पा सकते हैं, क्योंकि आपके पास जब एक सिस्टम होगा, ऑटोमेटेड सिस्टम होगा, तभी आप ट्रेड करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं आपका ऑटोमेटेड सिस्टम सेल्फ एनालिसिस, तो आप मुझे जरूर संपर्क करें, बिल्कुल वहां पे ये बहुत ही मिनिमम फी है, यहाँ आपको कम से कम 1,00,000 तक का बताया जाता है, 1,00,000 से भी ऊपर जो फी देते हैं वो भी यहाँ पे नहीं सीख पाते ऐसे चीजों में। तो बिल्कुल आप मुझे फोन कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों एक डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के आधार पर बनाया गया है, इसके आधार पर बाई सेल या होल्ड ऑप्शन क्रिएट न करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें, उन्हीं के सलाह पर बाई सेल होल्ड करते हैं। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।